ये बताएं कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मतलब रोशन भाई एक सवाल है आपसे कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तजुर्बा है, शादी करनी चाहिए सबको। मतलब तजुर्बा है या तजुर्बा समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज संडे है, तो सुबह से मैं बोर रहा था, सोचा था क्या करूँ। तो आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि बाहर चल के क्यों ना लोगों से शादी के बारे में राय पूछी जाए कि उनकी शादी के बारे में क्या राय है, तो जो कुंवार है उनसे भी और जो शादीशुदा है उनसे भी। तो इंशाल्लाह हम बाहर चलते हैं गाइस, तो बाहर जाके हम मालूम लेते हैं कि उनके माइंड के अंदर किस तरीके से क्या राय है और क्या उनके जवाब आते हैं। हाँ तो गाइस अभी हम बाहर जा रहे हैं यार, बाहर जा रहे हैं, सबको दिखाते हैं, सबसे पूछते हैं कि इनकी शादी के बारे में राय क्या है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, तो और कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा कि इस कंटेंट के बारे में आपकी भी क्या राय है, क्योंकि हो सकता है आप भी कुंवारे हो या आप भी शादीशुदा हो जो देख रहे हो, तो ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो वेट कीजिएगा। हाय गाइस वेलकम बैक। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर की तरफ, तो यहाँ पूछते हैं कुछ दोस्त खड़े हैं हमारे पीछे, तो इनसे पूछते हैं इनकी शादी के बारे में क्या राय है। अब ये भी पूछेंगे कि शादीशुदा है या कुंवारे हैं पहले। तो आइए मेरे साथ मेरे व्लॉग को देखिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। भाईजान आपका नाम? सर डॉक्टर महरुद्दीन। डॉक्टर महरुद्दीन माशाल्लाह। सर आप शादीशुदा हैं कुंवारे हैं? मैं शादीशुदा हूं सर, बिल्कुल अलहम्दुलिल्लाह। शादीशुदा है माशाल्लाह से। तो सर शादी के बारे में आपकी क्या राय? सर शादी के कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसानात भी हैं, तो सबसे पहले हम फायदे जानना चाहेंगे क्योंकि अच्छी बात पहले जाननी चाहिए। फायदे ये है कि यार बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चा घूमेगा फिरेगा इधर उधर बाहर जाएगा, तो जो है ना ये फायदे हैं उसके साथ। बच्चे थोड़े ज़हनी सुकून हैं माशाल्लाह, और काम करके आता है, काम करने के बाद बच्चों के साथ मिलजुल कर लेता है, तो ये उसके फायदे हैं। बंदे का माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल बच्चों के मिलने के बाद। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि बच्चे जब देखते हैं घर पे आके गुस्से में होता है बंदा एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है बच्चों को देख के, बिल्कुल। तो बाकी नुकसान दे बात जो आप बता रहे थे। नुकसान ये है कि यार जाहिर बात है बंदा शादी करता है, दो तीन बच्चे होते हैं, किराए पे घर हो जाता है, तो जाहिर बात है उसके खर्चे भी हो जाते हैं। आजकल आपको पता है कि महंगाई बढ़ गई है, आटा चीनी पेट्रोल सब कुछ कितना बढ़ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिसाब से महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है तो जितने बच्चे होंगे जितनी बड़ी फैमिली होगी जाहिर डेफिनेटली उतने बड़े खर्चे होंगे, उतनी ज़्यादा जो है ना हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि शादी करना चाहिए लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले खुद स्टेबल हो जाए उसके बाद शादी करें? उसके बाद शादी। अच्छा चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कमेंट का। तो अब हम दोस्तों अब हम दूसरे भाई की तरफ जाते हैं, उनकी पूछते हैं उनकी कमेंट की क्या राय है, तो अभी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर अल्लाह का शुक्र। भाईजान आप शादीशुदा हैं? सर बिल्कुल शादीशुदा हैं माशाल्लाह। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम शायान। शायान, तो भाईजान मेरा एक सवाल है आपसे कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी के बारे में एक... अबे जल्दी बोल। शादी के बाद लाइफ अच्छी भी है, ये नहीं कि बंदा नेगेटिव, नहीं नहीं पॉजिटिव भी है, अच्छी लाइफ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी लाइफ गुजरती है शादी का अपना। शादी के बाद तो शादी से पहले थोड़े मामला होते हैं, बाकी शादी के बाद सारे मामला खत्म हो जाते हैं। तो शादी से पहले कौन से मामला होते हैं भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चले बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ने कमेंट दिया, हम चलते हैं दूसरे भाई की तरफ। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। आवाज तो निकालो यार, आवाज तो निकालो। माशाल्लाह शानी भाई, तो आप शादीशुदा है कुंवारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। अरे क्या हो गया, तीनों हैट्रिक हो गई मेरी, शादीशुदा मिल गया मुझे भाईजान। तो भाई आप की क्या राय शादी के बारे में? यार शादी के बारे में शादी करनी चाहिए माशाल्लाह, अच्छी अच्छे एक चीज है, शादी हमेशा करनी चाहिए बंदे को, और जो शादी के बारे में सोचता है कि नहीं करनी चाहिए वो गलत सोच है, करनी चाहिए। तो मतलब शादी एक अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह की नेमत है ये भी, तो माशाल्लाह मुबारक हो। तो दोस्तों आज मैं देखा हमें तीन भाई मिले और तीनों माशाल्लाह शादीशुदा थे। तो अभी माशाल्लाह कोई हम देखते हैं दूसरी जगह पे जाके जो कुंवारा हमें मिल जाए, तो इनके कमेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक डॉक्टर साहब ने दोनों चीज़ें हमें बताई है, नुकसान भी और फ़ायदे भी,
तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी सही बात बोली। और जो दो भाई थे शानी और एक दूसरे का नाम तो मैं भूल गया, सलमान आई थिंक, शायान, तो उन्होंने भी अच्छी बात बोली है। वो माशाल्लाह मेरे व्लॉग को देखें और लाइक करें। अभी हम चलते हैं दूसरे की तरफ ताकि हमें कोई कुवारा मिले, उससे भी तो पूछे उसकी क्या राय। तो वेट कीजिएगा, मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो गाइस मैं अब बीच बाजार में आ गया हूँ। अभी मैं हूँ 11-8 नंबर की तरफ, इधर होटल की तरफ। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इनसे राय मालूम करता हूँ कि शादी के बारे में इनकी क्या राय है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी अंकल बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? अंकल आपका नाम? असलम भाई। माशाल्लाह असलम भाई, शादी से हैं? तो असलम भाई एक सवाल है आपसे कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा तजुर्बा है शादी करनी चाहिए सबको, मतलब तजुर्बा है या तजुर्बा ही समझ नहीं है, और जरूरी भी है बिल्कुल मेरे ख्याल से, और जो हो रहा है वो होना चाहिए। अच्छा जो चलता हुआ चला आ रहा है वो चलाते रहो, मतलब अगर चांस मिले तो दूसरी तीसरी भी कर लो। अच्छा जो फारिक बैठी है उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी असलम भाई ये अगर हमारी जो भाभी हैं आंटी, ये वो देखेंगी बोलेंगी यार आप मुझे छोड़ के दूसरी पे जा रहे हो, तो फिर उनको छोड़ दे रहे हमसे परमिशन लेंगे, मतलब अगर करेंगे तो मर्द को गॉड गिफ्ट दिया हुआ अल्लाह ताला ने। हाँ गॉड गिफ्ट है, शाम में चार जाए तो कर सकता है, अदरवाइज कोने में बैठ जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? चले बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका, थैंक यू आपकी कमेंट का। गाइस अभी देखा आपने असलम अंकल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, तो मुझे भी हंसी आ रही थी माशाल्लाह। चलो दूसरे एक भाई है उनसे मुलाकात करते हैं, तो अभी को आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? सर आपका नाम? मोहम्मद इसाक। इसाक भाई माशाल्लाह, इसाक भाई शादीशुदा हैं? जी जी जी। इसाक भाई तो अभी एक सवाल है, शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ क्या राय है कि शादी अच्छी है कैसी है? माशाल्लाह सही है, जो शादी वो कुत्ते वाली जिंदगी है, आदमी ऐसे ही फिरता रहता है कभी किधर कभी किधर किधर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, कभी किधर शादी हो अगर भाई कुछ दिन नहीं, शादी करना सुन्नत भी है और लाजमी है। बिल्कुल माशाल्लाह शादी करना सुन्नत और लाजमी, बहुत अच्छा आपका आपकी राय है माशाल्लाह से। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे भाई से पूछते हैं, क्योंकि मुझे सारे शादीशुदा ही मिल रहे हैं, कोई कुवारा अभी तक मिला नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ भी देखते हैं। तो दोस्तों मैं अभी एक हलीम वाले बैठे हुए बिरयानी वाले, इनसे मालूम लेता हूँ कि इनके बारे में क्या रहा है। पहले पूछते हैं शादीशुदा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर, आपका नाम? मोहम्मद कामिल भाई। कामिल भाई आप शादीशुदा हैं? माशाल्लाह आप फर्स्ट टाइम जो मुझे कुवारे मिले। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? I don't know. चले आप जवाब देना नहीं चाहते मतलब, चले ठीक है। तो हम दूसरे भाई से पूछते हैं और तो आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम दूसरी शॉप पे चलते हैं, आई थिंक ये कुवारे होंगे शायद, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। मोहम्मद तौकीर, माशाल्लाह। तौकीर भाई आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, पहले तो आप ये बताएं शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? अच्छा माशाल्लाह, तो आप दूसरे में कोई गैर शादीशुदा मिले। बाकी एक आपसे सवाल ये है कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी के बारे में क्या राय है, शादी करनी चाहिए भाई, शादी करनी चाहिए माशाल्लाह बिल्कुल। और इसके अलावा उनके हक भी अदा करो फिर, ठीक है शादी के हकूक मेन वजह आकादा करते जो आकादा करो, मतलब बहुत दीने मसाइल हैं उनको पूरा करा, शादी अच्छे मकाम पे बोलती है, ऐसे शादी करो। मैंने शादी शुदा तो बहुत बेटे में देख, लेकिन ऐसे देखे अपने के जो है काम ही नहीं है कुछ। चलें ठीक है तौकीर भाई, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का, आपने अच्छी है माशाल्लाह जवाब दिया है, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा हमें आज ये बाहर मिले व्यूज कुछ शादी के बारे में क्या रहा। हाँ तो गाइस अब हम अपनी सोसाइटी की तरफ आ गए, अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे एक हजार बैठे हुए अंकल, तो उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय, आखिरी मेरे वो होंगे इंटरव्यू वाले, तो इनसे चलते हैं पूछते हैं इनकी क्या राय शादी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम अंकल, ठीक है? शादी का कैसा फल है? अंकल आपका नाम? आफ्ताब बेग। माशाल्लाह आफ्ताब अंकल, आपके एक सवाल पूछा जाएगा, आप ये बताएं कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी का कैसा फल है, जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है, मतलब जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है, तो ऐसा क्यों अंकल? शादी तो माशाल्लाह एक खूबसूरत तोहफा है। अच्छा चले ठीक है, बाकी हम दूसरी तरफ चलते हैं।
हमारे सोसाइटी के चौकीदार गार्ड है हमारे रशीद भाई माशाल्लाह। रशीद भाई, शादी के बारे में आपकी क्या राय है? ख्याल है जो शादी करता है बहुत बड़े फायदे बिल्कुल घर जाओ रोटी पानी हर चीज औरत अपने तबियत कैसी है क्या हाल है कैसा दिन गुजरा अच्छा गुजरा बस कला जी मियाँ बीवी है कि खुशहाल रुपये उससे अच्छे बड़े फायदे हैं बिल्कुल हाँ तो खड़े आदमी क्या फायदा कुछ भी नहीं एक शादी उदा के बड़े फायदे हैं तो मतलब शादी जाओ तो बच्चों को देखे थकन कर जाती है सही है बड़े फायदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपका, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह जवाब दिया है इस बात का, इससे मैं भी आपसे मुतमईन हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने कितना अच्छा जवाब दिया है शादी के बारे में, तो ये मुझे बहुत अच्छा जवाब लगा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, तो मेरे व्लॉग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताते भी रहिएगा और आगे की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum।